musicschool.in, मैं गौरंग मेहता आपका म्यूजिक कोच। आज हम इस लेसन के अंदर स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी इस वेब सीरीज के इंट्रो म्यूजिक जो थीम म्यूजिक है वो सीखेंगे कीबोर्ड पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट में लिखिए कि आपको ये ट्यून कैसे लगी और नेक्स्ट ट्यून क्या सीखना चाहते हो। तो आइए चलिए देखते हैं, इस ट्यून को ई माइनर स्केल में कंपोज किया गया हुआ है, बहुत ही अच्छी ट्यून है। जनरली सीरियल और वेब सीरीज का हम लोग म्यूजिक इतना प्रेफर नहीं करते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने सब्सक्राइबर ने मुझे इस म्यूजिक के लिए रिकमेंड किया हुआ है, सजेस्ट किया हुआ है, इसीलिए इस बार मैं आपके लिए ये ट्यून को लेके आया हूँ। तो आइए चले सीखते हैं। शुरू होगा उसका पियानो पीस से, जो होगा इस तरह से। तो ये हो गया उसका रिफ पीस, रिफ यानी कि एक ट्यून बैकग्राउंड में चलता रहता बार बार। ओके, तो ये पियानो पीस है जिसको हमें प्ले करना ए से। फिंगरिंग पहले देख लेंगे, ई पे वन, जी पे टू, ए पे थ्री, बी पे फोर एंड सी पे फाइव। ठीक है, शुरू करेंगे ए से। ये हो गया ट्यून, अभी स्लो में देखेंगे। तो आइए चले मेन ट्यून देखते हैं। मेन ट्यून दो लाइन की ट्यून है, तो देखते हैं। शुरू करना ई से, ई पे फोर फिंगर हम लेंगे। खास ध्यान रखिए ए ट्यून के अंदर फिंगरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये पीस के लिए, तो इसमें फिंगरिंग करेक्ट नहीं होगा तो आप ट्यून ठीक से नहीं प्ले कर सकोगे। ठीक है, तो ये फोर फिंगर लेना ई पे, ई फ्लैट पे थर्ड फिंगर एंड डी पे सेकंड फिंगर, ये फिंगर लेना है। ओके, तो पहले ई पे तीन बार प्ले करना है, फिर से एक बार स्लो में देखेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल तीन बार प्ले करना है, तीन बार। उसके बाद थंब लेना ई पे, फिंगरिंग देखिए, ई पे वन, एफ शार्प पे थर्ड ले लेते हैं हम एंड जी पे फोर। ओके, ये स्लो में, यहां पर आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है। दो अलग अलग पार्ट में हमने सीखा हुआ है, आइए कनेक्ट करके फर्स्ट लाइन ठीक से देखेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। अभी कुछ लोग की आर्ग्यूमेंट ऐसे भी होती है कि रिटर्न में ई फ्लैट नहीं आती है, तो ग्रूस इतना भरा हुआ कि आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। स्ट्रिंग्स पार्ट भी है तो थोड़ा साइलेंट पार्ट है, कुछ लोग ई फ्लैट लेते हैं, कुछ लोग डी पे रुक जाते हैं, जैसे कि इस तरह भी कुछ लोग प्ले करते हैं। कुछ लोग बताते हैं यहां पर ई फ्लैट नहीं लगता है, हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, सिर्फ टाइमिंग मेंटेन करना है आपको। जैसे कि वाली है, तो हमें ई फ्लैट लेना है, ई फ्लैट से ज्यादा स्वीट लग रहा है ट्यून, तो हम लोग ई फ्लैट लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में भी स्टार्टिंग पार्ट सेम है, तीन
तीन बार प्ले होगा सेम पार्ट, जैसे फर्स्ट लाइन में तीन बार हुआ था, उसके बाद आपको प्ले करना है। फिंगरिंग आपकी 4 3 2 1 एंड फिफ्थ फिंगर ले सकते हैं या तो 4, पर यहां पे ट्विस्ट करना पड़ेगा आपको। दोनों फिंगर आप ले सकते हो, फिर से एक बार से आपको सेकंड लाइन में कंप्लीट करना है। थीम म्यूजिक के अंदर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन, इस तरह से सैंडविच पैटर्न जो हम कहते हैं स्टूडेंट को सिखाने के लिए, सैंडविच पैटर्न यानी ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में वेजिटेबल्स या आपका स्टाफ, इसी तरह फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अगेन फर्स्ट लाइन। तो एक जनरल समझने के लिए सैंडविच पैटर्न हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन इज सिमिलर, तो सेकंड लाइन इज डिफरेंट। ओके, तो इस तरह से इस पर प्ले करना है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, उसके बाद आपको प्ले करना है ये वाला पार्ट, कोरस पार्ट। ओके, आला पार्ट जो बोलते हैं, क्लियर। ये भी सैंडविच पैटर्न में है, देखिए फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन, ये आएगा अगेन फर्स्ट लाइन, इतना प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आइए सीख लेते हैं। आपका सेकंड फिंगर हम ई पे लेंगे, थर्ड फिंगर एफ शार्प पे, जी पे फोर्थ फिंगर एंड ए पे फिफ्थ फिंगर। ठीक है, एफ शार्प से शुरू करेंगे, स्लो में, अब आए सेकंड लाइन देखेंगे। सेकंड लाइन में आपको एफ शार्प से शुरू ना करके डायरेक्ट ए से शुरू करना है, एफ शार्प सेकंड लाइन में साइलेंट स्किप कर देते हम, स्लो में, अब वापस फिर से फर्स्ट लाइन आएगा, क्लियर। तो आपका कोरस पार्ट आला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया इसके अंदर, जो इस तरह प्ले होगा। उसके बाद कॉम्पिंग आता है, ये भी रिदम ले सकते हो, या तो फिर 1 2 3 4, इसे कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ इस तरह भी आप कर सकते हो वेरिएशन के लिए, 1 2 1 2 3 4, दोनों तरह से ले सकते हो आप, जैसे आपको ठीक लगे। आपके रिदम में मैचिंग कैसे होती है उस तरह से आपको लेना होगा। तो दोनों तरीके से अच्छा लग रहा है, डांसिंग सीक्वेंस भी ये आप प्ले कर सकते हो, कहीं लाइव शोज कर रहे हो और डांसिंग सीक्वेंस चल रहा है उसके बीच में ये म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगेगा। हमने ऑलरेडी दो बार प्ले कर चुके हैं हम नवरात्रि में, तो आप प्ले कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अब ये हो गया आपका थीम की सभी लाइन। अब लास्ट लाइन जो प्ले होता है इस तरह से सिंपल पियानो में, ए सी सी बी बी ई ई, सिंपल, फिर से एक बार, वन मोर टाइम, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ट्यून। बहुत ही कम लाइन है, बहुत ब्यूटीफुल ट्यून बनाई हुई है। और कौन सी नई ट्यून सीखनी है कमेंट में लिखिए आप, तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम आपकी पसंद की एक ट्यून ले आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। इसी तरह के और भी लेसन आपको सीखना है तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए musicschool.in पे, वहाँ पर आप फिल्म सॉन्ग्स, स्केल, कॉर्ड्स, फॉर्मेशन, फॉर्मूला, आरपीजियो, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक्स, थियरी,
ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक का ग्रेड थियरी, वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, सब तरह के लेसन्स आपको हमारी वेबसाइट के कोर्स में आपको सीखने मिलेंगे। तो आज ही जुड़िए हमारे वेबसाइट पे हमारे कोर्स के साथ। थैंक यू।